दोस्तों महेश्वरी रसोई में आज मैं आप लोगों के साथ एक परांठे की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन नॉर्मल परांठे नहीं है। बनाने का तरीका बहुत अलग है, जिससे परांठे भी एकदम अलग से बनकर तैयार होंगे। और परांठों के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे टेस्टी और हेल्दी पालक का झोल, और उसके साथ ही हम ये कचूमर बनाएंगे। और आप देख सकते हैं जो परांठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी हैं, और स्टफिंग एकदम कोने कोने तक गई है। बहुत ही लाजवाब स्टफिंग है, बहुत ही टेस्टी परांठे हैं, बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना महेश्वरी अपने चैनल महेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल दिल्ली की पराठे वाली गली जैसे पराठे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 3 प्याज, 1/2 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, और साथ ही तीखेपन के लिए लिया है मैंने 2-3 हरी मिर्चें जो बहुत ज़्यादा तीखी हैं। अगर तीखा कम खाते हैं तो मिर्चों की मात्रा थोड़ी सी कम कर दें। हम बना रहे हैं पनीर और प्याज के पराठे, तो वो प्याज हो गई, और ये रहा 150 ग्राम जितना पनीर। जो मैंने पनीर यूज़ किया है वो नॉर्मल पनीर है, यानी उसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए पहले पनीर को थोड़ा इस तरीके का कर लेते हैं जिससे उसमें पानी का कंटेंट कम हो जाएगा, और पराठे बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम फूले फूले और एकदम क्रिस्पी। अगर पानी ही ज़्यादा रहेगा तो आप लाख कोशिश कर लें पराठे बढ़िया निकलेंगे। तो बस उसे बड़ा बड़ा सा काट लिया, गैस ऑन करी और उसके ऊपर पैन रख दिया है, और पैन में हम इस तरीके से ये पनीर सेट कर देंगे। फ्रेंड्स ये 1 से 1.5 मिनट का छोटा सा प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो पनीर के पराठे बनाने में प्रॉब्लम आती है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, और आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में इसमें से काफ़ी सारा पानी निकल जाएगा। तो बस इस पानी को हम या तो हटा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे ऐसे ही सूखने दें। और ये देखिए कुछ पानी मैंने हटा दिया और कुछ सूख गया, और पनीर में से अब पानी निकलना बिल्कुल बंद हो चुका है, यानी कि हमारा जो पनीर है एकदम परफेक्ट ड्राई हो चुका है। तो बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और उसे कूल डाउन होने देते हैं। और इधर मैंने एक चॉपर लिया है जिसमें हमने जो हरी मिर्ची ली थी उसे कट करके डालेंगे, साथ ही अदरक भी डाल देंगे। और आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो बारीक कट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और चॉपर को ज़रा सा चलाया और देखिए दोनों चीज़ बढ़िया चॉप हो गई हैं। तो बस इसमें ही हमने जो प्याज लिए थे वो 3 प्याज डाल देंगे। फ्रेंड्स ये पनीर और प्याज के परांठे बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बनाना थोड़ा सा आसान है थोड़ा सा कठिन है। तो जो प्याज चॉप किया था उसमें भी काफ़ी सारा पानी, अगर ऐसे ही बनाएंगे तो परांठे गीले गीले से बनेंगे। तो उसके लिए बस जो प्याज लिया है उसे एक साफ़ सूती कपड़े में किया, थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे इसका जो पानी है वो आराम से रिलीज़ हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, और 1 से 1.5 मिनट में ही आप देखेंगे कि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। पर बहुत ज़्यादा ना निचोड़ दें, कहीं ऐसा ना हो कि जो प्याज का प्रॉपर टेस्ट होता है वही निकल जाए। और ये देखिए काफ़ी सारा पानी नमक की वजह से इसने रिलीज़ किया है, और इस पानी को आप फेंकें नहीं, आप चाहें तो सब्ज़ी में डाल लें। मैं तो इससे आटा लगा लूँगी जिससे और भी बढ़िया वो टेस्ट करेंगे। और ये देखिए बस हल्के हल्के हाथ से प्रेशर देते हुए मैंने प्याज में से जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो हटा दिया है, और आप देख सकते काफ़ी सारा पानी निकला है। और तो अब वो पनीर जो था जिसे हमने पैन में गर्म किया था उसे कर लेते हैं हम अच्छे से क्रम्बल, और आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे काटना नहीं है। और ये देखिए एकदम सेकंडों में हमारा जो पनीर था वो बढ़िया सा क्रम्बल हो चुका है, और इसे कर लिया बड़े से मिक्सिंग बाउल के अंदर, और इसके अंदर डाल दिया जो एक्स्ट्रा पानी निकला हुआ प्याज था, ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, और 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून जितनी दरदरी करी हुई सौंफ, और ये ली खूब सारी कसूरी मेथी क्योंकि पनीर के साथ कसूरी मेथी बहुत ही बढ़िया लगती है, और ये गया हरा धनिया, और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त। और बिल्कुल मिनटों में हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। तो चलिए अब डो लगा लेते हैं। डो वैसे तो हम बिल्कुल नॉर्मल जैसे कि पराठे बनाते हैं वैसे ही लगाएंगे, बस थोड़ा सा तरीका है, और थोड़ा सा नमक डाला, भरमा पराठे बना रहे हैं इसलिए अगर थोड़ा सा देसी घी आप डो में लगा देते हैं तो पराठे जो बनेंगे वो बहुत ही खस्ता बनेंगे, एकदम अलग सा और यूनिक टेस्ट मिलेगा। नॉर्मल जैसे कि हम पराठे के लिए डो लगाते हैं, डो लगा लिया और सेट करने के लिए हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड से रख देते हैं। तो अब हम बनाएंगे पालक का झोल, तो उसके लिए मैंने करीब 50 ग्राम जितना पालक लिया जिसे उबाल लिया है, और अच्छे से उबलने के बाद में हम इसे पीसेंगे, लेकिन आप पालक को जब भी पीसें अच्छे से ठंडा करने के बाद ही पीसें।
और ये पालक गया। साथ ही तीखेपन के लिए हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छी एक्स्ट्रा फ्रेशनेस की खुशबू आएगी। और ये लीजिए पालक के झोल के लिए, हमारा पालक पिस के तैयार है। तो अब बस काम को करते हैं, फटाफट इसी में ही डाल देते हैं हम घर का जमा हुआ गाढ़ा और फ्रेश दही। तो ये लीजिए बिल्कुल सेकेंडों में हमारा पालक का झोल बनकर तैयार हो गया, लेकिन काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। तो बैलेंस करने के लिए उसी जार में धोकर मैं इसमें पानी डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप दही यूज़ कर रहे हैं और वो थोड़ा बहुत खट्टा है, तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी और पतला सा हमारा पालक का झोल ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो इसमें गया टेस्ट के हिसाब से नमक, हल्का सा इसे क्रंच देते हैं। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिए, एक टीस्पून जितने मैंने इसमें खीरा डाला है, और आधा प्याज डाल दिया है एकदम बारीक कट करके। और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक, और ये लिया मैंने रायता मसाला, और इसमें वो सारे मसाले हैं कि उसके बाद इसमें कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। और इससे आप कोई भी रायता बनाएं बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। आप चाहें तो इसे स्मोकी फ्लेवर का बना सकते हैं, उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा कोयला रखकर धुआं लगा लें, और भी बढ़िया टेस्ट करेगा। तो चलिए हमारा रायता तैयार हुआ, यानी कि पालक का झोल तैयार हुआ। अब आटे को देख लेते हैं। बस आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अच्छे से हमने एक बार नीट कर लिया, और उसके नॉर्मल पराठे से कुछ बड़े बड़े से हमने पेड़े तोड़कर तैयार किए हैं। तो अब बारी है स्टफिंग की, और तो उसके लिए क्या करना होगा, और इस डो से बना ली एक बड़ी सी कटोरी, जिससे स्टफिंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये लिया खूब सारी स्टफिंग, क्योंकि भरवा पराठों में जब तक स्टफिंग ज़बरदस्त ना हो मज़ा नहीं आता। और बिल्कुल अच्छे से चुन्नटे डालते हुए हम बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर आटा जाएगा उसे हटा देंगे। और ये लीजिए एक पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे आपको डायरेक्ट नहीं बेलना है, उसके लिए आप हाथ से उस पर हल्का हल्का सा साइडों पे प्रेशर दें। अगर हम डायरेक्ट बेलना स्टार्ट कर देते हैं तो कई बार प्रॉब्लम क्या हो जाती है, स्टफिंग थोड़ी ढीली सी होती है, और हमारा जो डो है उसकी वजह से पराठा फट जाता है। अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया, यानी उसे हथेली के साथ हल्का सा बेल लिया, तो आपका पराठा कभी भी नहीं फटेगा। तो बस बेलन के साथ साइडों पे हम हल्का हल्का प्रेशर देते हुए पराठे को बेलकर तैयार करेंगे। नॉर्मल भरवा पराठों की तरह आपको फ्रेंड्स इसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं बेलना है, और आप जो मेन फोकस रखें वो साइडों पे रखें, जिससे जो पराठे की स्टफिंग है अच्छे से साइडों पे हो जाएगी। और ये लीजिए पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब बारी है सेकने की। फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं दिल्ली की पराठे वाली गली जैसे पराठे, जिसे बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी नया सा होता है। तो बस हल्का सा तो हम इसे तवे पे सेकेंगे, और बाकी सेकेंगे कुछ अलग तरीके से। उसके लिए गैस ऑन करी, उसके ऊपर पैन रखा, और पैन में हम डाल देते हैं 2 से 3 टेबलस्पून जितना देसी घी। फ्रेंड्स, वहाँ जो पराठे बनते हैं वो देसी घी के साथ ही बनते हैं। अगर आप घर में भी कभी पराठे बनाते हैं तो देसी घी में बनाइए, ज़्यादा बढ़िया टेस्ट करते हैं। तो बस पराठे को उलट पुलट कर दोनों तरफ से सेक लिया है, और जिस तरफ से हमने बाद में सेका था उस साइड से हम पराठा इसमें प्लेस कर देंगे, यानी कि जो बाद में सेका था वो हिस्सा ऊपर की साइड रहेगा। और हल्के हल्के हाथ से प्रेशर देते हुए हम पराठे को बढ़िया सा सेक कर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये पराठे जो होते हैं आपको कचौड़ी जैसा टेस्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, और पराठे में भी जो आपको टेस्ट मिलने वाला है वो बहुत ही यूनिक मिलने वाला है। और इसकी रंगत देख के फ्रेंड्स मुंह में पानी ना आ जाए, तो कहना देखिए क्या ज़बरदस्त पराठे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसने घी को बहुत ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब किया है, जिससे नॉर्मली हम पराठे बनाते हैं बस उससे लिटिल बिट ज़्यादा लगेगा। तो चलिए सेम प्रोसेस से एक और बना लेते हैं, और आप चाहें तो इसी तरीके की स्टफिंग बनाकर जैसे नॉर्मल पराठा सेकते हैं उस तरीके से सेक सकते हैं, लेकिन इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और ये लीजिए हमारे ज़बरदस्त पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर इन पराठे को खाकर आपको दिल्ली के पराठे वाली गली के पराठे याद ना जाएं तो कहना, अगर आपने वो पराठे खाए हैं तो उसका टेस्ट और इसका टेस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको सेम टेस्ट मिलेगा। और ये गया पालक का झोल, और साथ में रखा कचूमर, जो कि इसके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप इसकी क्रिस्पीनेस देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त है। स्टफिंग देखिए वो भी बहुत ही बढ़िया है, यानी कि हमारे जो पराठे बने हैं ना हर एंगल से बहुत ही बढ़िया है। इस रेसिपी को इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और फीडबैक में मुझे बताएं रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर दें। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें। थैंक यू।